सबसे पहले मैं मेरी स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर लूंगी, तो इसके लिए मैं आज पहले यूज कर रही हूँ अल्प्स गुडनेस की रोज वाटर को एज अ टोनर। एंड गाइस, इसके बाद आप लोग कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम एंड सनस्क्रीन को अप्लाई करना, इसको अवॉइड मत करना कभी भी। तो इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे की 9 to 5 सीसी क्रीम को। आप लोग कोई भी सीसी क्रीम या बीबी क्रीम को अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस, मैं इस वाले मेकअप लुक पे कोई भी ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं करूँगी, मैं फिंगर की हेल्प से फुल फेस पे मेकअप को अप्लाई करूँगी। सो गाइस, मैं यहाँ पे फिंगर की हेल्प से बहुत ही अच्छे से सीसी क्रीम को फुल फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। देन इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट टोन की फेस पाउडर को। एंड इसकी हेल्प से मैं मेरे अंडर आइज को सेट आउट कर रही हूँ। एंड अंडर आइज सेट हो जाने के बाद मैं इसकी हेल्प से मेरे फुल फेस को भी थोड़े से डब डब करके सेट कर लूँगी। गाइस, समर की सीजन आ रही है, तो अभी ऑयली स्किन में बहुत ही ज़्यादा स्वेट की प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे डैप डैप करके मेरे फेस पे फेस पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग कोई भी नॉर्मल फेस पाउडर को भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी लूज पाउडर को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन गाइस याद रखना थोड़ी सी अमाउंट पर ही आप लोगों को पाउडर को यूज़ करना है। देन काजल के लिए मैं हिमालय की ब्लैक काजल की यूज़ कर रही हूँ। एंड काजल को मेरे वाटर लाइन पे एंड मेरी अपर लिप पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड गाइस, मैं ऐसे ही आइस को बंद करके काजल को अप्लाई करूँगी ताकि काजल मेरे आइस के दोनों साइड पे अच्छे से अप्लाई हो जाए। देन मैं एक आईब्रोज पेंसिल को पिक करूँगी एंड इसके हेल्प से मेरे आईब्रोज को क्रिएट कर लूँगी। एंड गाइस, बहुत ही स्लोली आईब्रोज को क्रिएट करना है। सो गाइस, मैं मेरे आईब्रोज को कॉम कर लिया है, तो मैं अभी आईब्रोज के लास्ट पोर्शन को हल्के हाथों से क्रिएट कर लूँगी। देन मैं विश केयर के एलोवेरा जेल की यूज़ कर रही हूँ। एंड इसको ऐसे मेरे फिंगर पे रब करके उसको मेरे आई लैश पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड गाइस, इससे आपको आई लैश बहुत ही नेचुरल लगती है एंड आई लैश को बहुत ही अच्छी एक वॉल्यूम मिल जाती है, तो ये एक बहुत ही अच्छी आई लैश हैक है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो डेली लाइफ में भी। एंड इसके बाद मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ लिप ग्लॉस को, क्योंकि बहुत सारे स्कूल पे लिपस्टिक अलाउ नहीं है, तो मैं लिप ग्लॉस के लिए यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर की लिप ग्लॉस को। एंड इसके शेड नेम है 116 एंड इसको ही मैं मेरे चिक्स पे एंड मेरे नोज पे थोड़ी सी अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि आप लोग अगर मेरे वीडियो देखते हो तो आप लोग को पता है कि मुझे नोज पे ब्लश को अप्लाई करना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे बहुत ही क्यूट क्यूट सा फीलिंग्स आती है, तो मैं इसको भी मेरे फिंगर की हेल्प से डैप डैप करके अप्लाई कर लूँगी। एंड गाइस, माय मेकअप इज़ डन। तो गाइस, इस वाले मेकअप के साथ ऐसे हेयर स्टाइल एकदम ही अच्छी नहीं लगती है, तो मैं यहाँ पे मेरे हेयर को ओपन कर लूँगी एंड देन मैं हेयर को बहुत अच्छे से कॉम कर लूँगी एंड एक हाई पोनीटेल कर लूँगी। एंड गाइस, मैं यहाँ पे पोनीटेल को बहुत ही टाइटली बांधूँगी। देन मैं पोनीटेल से थोड़ी सी बालों को लेके उसको मेरे हेयर बैंड के ऊपर ट्विस्ट करके एक पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर लूँगी। एंड गाइस, देन मैं दूसरे साइड पे भी सेम तरह से ही हेयर स्टाइल को बांध लूँगी। देन गाइस, मैं सामने से थोड़ी सी बालों को बाहर कर लूँगी एंड उसके बाद मैं मेरे फुल हेयर लेंथ को एक बार बहुत अच्छे से कॉम कर लूँगी। सो गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को मेरी इस वाली सिंपल मेकअप लुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। सो गाइस, आई होप आप लोगों को मेरी इस वाली मेकअप लुक अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत सारा प्यार देना ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे से वीडियो बनाने ला सकूँ। थैंक यू गाइस, लव यू, बाय, टेक केयर।